अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यार से यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हाँ जी, तो ईद का सीजन चल रहा है, तो हमने मजेदार सा ईद सीरियल में हमने बनाया मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आज जो हमने शेयर किए चिकन पिनव्हील, जो कि बहुत निहायत ही बनाना आसान है। आप इसको अपने ट्रॉली में रखेंगे तो चार चांद लग जाएंगे। ये देखिए किस कदर जबरदस्त इसकी शेप आई है, आप ये देखिए, और पीछे से भी देखें कितना जबरदस्त सा बेक हुआ है। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी ब्रेड चेक करें किस कदर सॉफ्ट है, और ये देखिए जबरदस्त सी अंदर से हमारी चिकन, ये देखिए गर्मा गर्म बना हुआ है इस टाइम। ये देखिए कितनी जबरदस्त सी बेक हुई हुई अंदर तक, ये देखिए। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है टाइम को जाया किए बगैर, चलते किचन क्लोजअप में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। रहीम, एक ट्रॉली की एक और मजेदार रेसिपी लेके मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम इस रेसिपी का डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी करने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून चीनी, पिंक सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, ड्राई ईस्ट डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून। इन सारी चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे। अंदर 1 अदद अंडे की पैदी डाल देंगे, जर्दी हमने रख लिया, आगे ऐड करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप हल्का सा गुनगुना मिल्क। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसका डो हमने गून लिया, थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है। अब हम इस टाइम पे क्या डालेंगे, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और इसकी मदद से हमने इस डो को नीट कर लेना है, और नीट करके हम इसको रख देंगे। हमने इसकी डो को गून लिया, ऊपर से भी हमने इसके ऑयल लगा दिए, देखने इस तरह सॉफ्ट होनी चाहिए डो। अब हम इसको रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए कि डो हमारी अच्छे से राइज हो जाए। डो हमारा राइज होता है, हम चिकन पिनव्हील की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर डाल देंगे हम बिल्कुल बारीक बारीक सी कटी हुई चॉप की हुई प्याज 2 टेबल स्पून। जब हल्की हल्की सी सॉटे हो जाए तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैदे का डाल देंगे, और मैदे को भी हमने हल्का सा भून लेना है। मैदे को अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर 1/2 कप दूध डाल देंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पिसी हुई क्रश्ड कीवी काली मिर्च 1 टीस्पून वो डाल देंगे। पिंक सॉल्ट डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक। पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं सब चीजों को। फिलिंग तो हो गई हमारी रेडी जबरदस्त सी, ये देखें इस तरह की फिलिंग होनी चाहिए, थोड़ी सख्त सी भी हो और थोड़ी सी नरम सी भी हो, ये देखें बिल्कुल सॉगी नहीं होनी चाहिए, ये देखें इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें डो हमारा जबरदस्त सा राइज हो गया है। अब हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे निकाल लेते हैं। अब हमने इसको 2 हिस्सों में इस तरह करके डिवाइड कर लेना है। ये देखिए मैं
मैंने इस डो को स्क्वायर शेप में इस तरह करके बेल लिया था। अब ये जितने भी हमने फिलिंग रेडी की है ये इसके ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दी। अब हमने इसको दो हिस्सों में डो को डिवाइड किया था, इसी तरह करके मैंने एक और चकोर सी रोटी बनाई हुई है, अब वो हम इसके ऊपर रख देते हैं। चले अब हमने इसकी साइड्स को बिल्कुल हमने इस तरह करके नीट कर लेना है, यानी कि बिल्कुल हमारी स्क्वायर की शेप आ जाए। चले अब अंडे की जर्दी से हमने इसके यहाँ सेंटर में इस तरह करके होल कर देना है, ये देखें इस तरह करके। और अब हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली साइड उठाएंगे और इसको हमने इस तरह करके इसके अंदर यूं प्रेस कर देंगे, ये देखें। फिर इसके अपोजिट साइड उठाएंगे, इसको इस तरह करके इसके अंदर, ये देखें पिन व्हील की शेप हमारी बनती जा रही है इस तरह करके, ये देखें। अब ये वाली शेप उठाएंगे और इसको इस तरह करके इसके अंदर ये डाल देंगे, ये देखें। थोड़ी सी इसके सेंटर में हम डाल देंगे कलौंजी और अब हम इसको बेकिंग ट्रे पे पहले रख लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडे की जर्दी, इससे हमारा कलर इसका पिनव्हील का बड़ा जबरदस्त आएगा। इसी तरह करके मैं सारे पिनव्हील रेडी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इसको बेक करूंगी 180 सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक के लिए। चले हम आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखिए जबरदस्त से हमारे पिन व्हील खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्या जबरदस्त से बेक हुए और कलर देखे कितना शानदार सा है। अब हम क्या करेंगे, इन सब के ऊपर मेल्टेड बटर लगा लेंगे, क्योंकि गर्म गर्म है, अगर आप दूसरा फ्रिज वाला बटर भी लगाएं तो वो भी इस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। शानदार से मजेदार से चिकन पिनव्हील खाने के लिए तैयार हो चुके। आप इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं बेक करके, चाहे तो आप रात को बना लें और फिर जब आपके मेहमान आए तब उस टाइम सर्व करें। चलें वीडियो रेसिपी पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फ्री में वीडियो को एंजॉय करने के लिए। चलिए जी आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत प्यारी सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।